हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। वास्तु के कार्यक्रम घरों तो ऐसा, इसमें आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कंसेप्शन प्रॉब्लम की आज, और उसमें हमने कल भी एक प्रोग्राम के अंदर एक सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी के बारे में बात की थी, और आज हम बात करेंगे कंसेप्शन में बहुत सारी महिलाओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी कि महिलाएं गर्भवती होना चाहती हैं लेकिन किसी न किसी कारण से नहीं हो पाती हैं। स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, किसी न किसी किस्म की इम्पोटेंसी हो सकती है, मेल या फीमेल, यानी कि नपुंसकता, या किसी स्त्री के प्रजनन अंगों में कोई जटिलता का होना, कोई कॉम्प्लेक्सिटी का होना, या फिर युवा जोड़ों के अंदर, पेयर्स के अंदर हो सकता है कि उनकी जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, या कई बार जो पेयर्स होते हैं वो कॉन्सेप्शन को कई साल पोस्टपोन करते रहते हैं। थायराइड भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है कि ज़्यादा लिकर या सिगरेट पीना भी एक उसके अंदर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और कई बार पुरुषों के अंदर जो स्पम्प्स का जो एक काउंट है वो कम होना, और इस किस्म की कई समस्याएं हो सकती हैं। तो इसकी वजह से संतान रहित मामले जो हैं कई बार बढ़ते जाते हैं, आजकल बहुत बढ़ रहे हैं, और ख़ास तौर से शुरुआत में पेरेंट्स कंसेप्शन को टालते रहते हैं और फिर बाद में वो ट्राई करते हैं तो हो नहीं पाता है। फिर बाद में वो कॉन्सेप्शन के आर्टिफिशियल मीन्स के द्वारा बहुत सारे क्लिनिक खुले हुए हैं, वहाँ पर जाते हैं, और ख़ास तौर से जो आईटी सिटीज़ हैं मेजर, वहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस की जा रही है, जैसे बैंगलोर वगैरह हैं, कुछ और आईटी सिटीज़ हैं इंडिया की। बहुत सारे जो दोष इसमें निकल के आते हैं वास्तु से निकल के आते हैं, जिनको करेक्ट किया जा सकता है। अगर उनको छोटे से प्रयास के द्वारा अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। अगर आप साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में, जो एक साउथ और साउथ वेस्ट का जोन आता है, अगर वहाँ पे आप सो रहे हो तो बिल्कुल आपको प्रॉब्लम आएगी कंसेप्शन में। और अगर आप ईस्ट और साउथ ईस्ट में सो रहे हो, जो कि ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच का जोन है, तो वहाँ भी प्रॉब्लम आएगी। अगर आप वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में सो रहे हैं, जो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच का जोन है, तो वहाँ भी ये प्रॉब्लम आएगी और गर्भ धारण करने में समस्या आएगी। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में सोने से, यानी कि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच का जो एरिया है, वहाँ पे आपको थायराइड की समस्या हो जाती है और आपका वहाँ पर प्रॉब्लम जो है गर्भाधारण में, यानी कि कंसेप्शन में आएगी आएगी। और कहीं आप साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में सो रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको अबॉर्शन हो जाएगा। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। साउथ वेस्ट में अगर शौचालय है, अगर टॉयलेट है, तो फिर तो आपको कंसीव होने में बहुत ही बड़ी समस्या आती है, और बहुत बार गर्भधारण कई कई सालों के बाद होता है यहाँ पे। अगर साउथ वेस्ट में पानी की टंकी है, पानी का टैंक है, तो भी गर्भधारण नहीं होता है। नॉर्थ ईस्ट में कई बार आप रूम में सोते हो तो वहाँ पे वो भगवान का कोण होता है, तो वहाँ पे अनिच्छा पैदा हो जाती सेक्स के प्रति, और वहाँ पे आप कंसीव नहीं कर पाते हो। अगर कोई सपोज करो कि किसी भी बेडरूम के अंदर मुख्य द्वार के सामने बिल्कुल बेड लगा हुआ हो, तो वहाँ से प्रॉब्लम हो जाती है कि दरवाज़ा खुला और सामने बेड है, तो बिल्कुल प्रॉब्लम आती है। और अगर किसी घर में अगर शयन कक्ष यानी कि बेडरूम के ऊपर से एक सीढ़ी जा रही है, तो समस्या आ जाती है। और अगर बीम के नीचे सो रहे हैं तो समस्या आ जाती है। ये सिंपल सिंपल कुछ चीज़ें हैं। तो ये मैंने आपको कुछ ये टिप्स दी हैं यहाँ पर। इन टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आप अपने घर में अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो जरा इनको चेक कर लीजिए। जो बात मैंने कही है, मेरे टेप को रिवाइंड कीजिए, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, और ये डायरेक्शंस अपने घर के सेंटर में खड़े होकर देख लीजिए कि क्या आपका बेडरूम वहाँ है और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो 101% आपका बेडरूम वही कहीं होगा जो दिशाएं मैंने आपको बताई हैं। इनको ध्यान में रखेंगे और यहाँ से दूर हो जाएंगे, थोड़े से कंसेप्शन हो जाएगा। वेस्ट साउथ वेस्ट में चले जाइए, वेस्ट में चले जाइए, ईस्ट में भी जा सकते हैं, ये अच्छा है। नॉर्थ में चले जाएंगे तो भी चल जाएगा, कंसेप्शन हो जाएगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत।